नमस्कार गंजम समाचार को स्वागत करुछि मु रश्मिता सुनंतु आजिरो पानीपाक सूचना आज 11th में आज सुबह पिछले 24 घंटा का जो रिपोर्ट हमारा मिला है इसमें नॉर्थ कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ जगह में थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग के साथ बारिश हल्का से मध्यम हुआ है और रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में बाकी डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह करके थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग के साथ रेनफॉल हुआ है और हाईएस्ट रेनफॉल मिला है हमारा कटक डिस्ट्रिक्ट का कांतापुरा में 41.0 मिलीमीटर भद्रक डिस्ट्रिक्ट का वासुदेवपुर में 34.0 मिलीमीटर संबलपुर का बुरला में 26.2 जयपुर वरासर डिस्ट्रिक्ट का 26.2 बेतानोटी मयूरभंज का 23.0 इस तरह से रेनफॉल हुआ है। मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा सबसे ज्यादा था मलकानगिरी में 40.0 डिग्री सेंटीग्रेड और 40 से ज्यादा और कहां पे भी नहीं था, 40 से नीचे ही था सभी जगह में। भुवनेश्वर में 37.0 था। अभी हमारा अगला 5 दिन के लिए जो फोरकास्ट रहेगा इसमें आज ऑलरेडी हमारा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी तेज हवा लाइटनिंग इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी ऑलरेडी हो रहा है कुछ एरिया में हुआ है और कुछ अभी कोस्टल एरिया में तो कुछ कुछ जगह में हो रहा है। तो कुल मिलाकर के अगला 24 आवर्स में मेनी प्लेसेस में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी लाइटनिंग तेज हवा 40-50 किलोमीटर पर आवर कुछ एरिया में 50-60 भी जा सकता है और हमारा हेवी रेनफॉल भी होने का चांसेस है कोस्टल ओडिशा मयूरभंज कंधमाल ढेंकनाल बौद्ध डिस्ट्रिक्ट का अंदर में एक दो जगह में। गंजाम समाचार आपणकर लेटेस्ट खबर पई लाइक शेयर सब्सक्राइब एवं फॉलो करंतु गंजाम समाचार फेसबुक यूट्यूब ट्विटर पेज को अधिक तथ्य पई विजिट करंतु आम वेबसाइट www.ganjamsamachar.com। फिर कल थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कल भी रहेगा बट कल इंटेंसिटी थोड़ा कम होने का चांसेस है 12 तारीख में। इसमें कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट सुंदरगढ़ देवगढ़ केवंझर मयूरभंज ढेंकनाल कंधमाल रायगढ़ कोरापुट मलकानगिरी बौद्ध नवरंगपुर ये सब एरिया में एक दो कुछ कुछ एरिया में रहेगा बाकी डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह में रहने का चांसेस है। फिर 13 तारीख डे 3 में भी हमारा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी लाइटनिंग गास्टी 30-40 रहेगा। इसमें कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट केवंझर मयूरभंज सुंदरगढ़ ढेंकनाल कंधमाल कोरापुट मलकानगिरी इसमें वार्निंग है बाकी डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक दो जगह करके रहने का चांसेस है। डे 3 में गजपति रायगढ़ जगत सिंहपुर केन्द्रपुर ये सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक दो जगह में हेवी रेनफॉल भी हो सकता है। डे 4 डे 5 में एक्टिविटी और भी कम हो जाएगा। डे 4 डे 5 में हमारा एक दो जगह में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ रेनफॉल हो सकता है मेनली कोस्टल एडजॉइनिंग उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में इसमें वार्निंग नहीं है। अभी भुवनेश्वर सिटी में आज ऑलरेडी बारिश हो चुका है और भी बारिश हल्का बारिश होने का चांसेस है और मैक्सिमम टेम्परेचर आज तो कम ही रहेगा। इसमें बारिश ऑलरेडी क्लाउडीनेस है तो कम रहेगा। कल से फिर मैक्सिमम टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज होने का चांसेस है और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है अभी मैक्सिमम टेम्परेचर आज मेनी प्लेसेस में 5-7 डिग्रीज 5-6 डिग्री तक कम होने का चांसेस है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की वजह से। कल से फिर इंक्रीज होकर के फिर ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। कल फिर 4-5 डिग्री इंक्रीज होगा फिर ज्यादा चेंजेस नहीं रहेगा। आज पानीपाक सूचना समाप्त होला। नमस्कार।